Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। कुछ नहीं काजल, वो दो कौड़ी का कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि नया चेहरा वाला आदमी असली माधो भैया नहीं है। वो आकर के हमारे घर में कहेगा और सर्टिफिकेट देगा कि यही असली माधो भैया है, तब हम मानेंगे। बाकी तो तुम फोन पे सुन लेना कितना झाड़े हैं उसको। वो कहा है ना काजल कि हम हो गलती किए थे, हम हो माधो भैया को नहीं पहचान पाए थे। कैसे कि परिवार का चिंता करते हैं ना, लेकिन जब हम उनकी बातें सुने ना तो हमको पूरा भरोसा हो गया कि उहे जो है ना असली माधो भैया है। अब तुम ही बताओ काजल, ये दुनिया में भला मां से बढ़कर कोई है जो अपने बेटे को ना पहचान पाए? अरे जब हमारी अम्मा मान ले कि असली माधो भैया हुए हैं तो हम सबको मान लेना चाहिए। यही से हम ऐसे मान लिए हैं कि वे हमारे असली माधो भैया है। और एक बात सुन लेना, अगर उन पर कोई भी शक किया ना तो बवंडर मचा देंगे ही घर में, फिर हमको रोकना मत तुम। हमको अच्छा लगा कि आप माधव भैया के साथ इंसाफ किए। बात इंसाफ का नहीं, अधिकार का है। अभी घर पर माधव भैया का अधिकार है ना। हमारा वो मतलब नहीं था, हमको तो अच्छा लगा कि आप माधव भैया को पहचान लिए। नहीं तो सोचिए उनको कितना बुरा लगता होगा कि उनके अपने घर वाले उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। और रुद्र जी, हमको आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो भी सोचते हैं इस घर के लिए अच्छा सोचते हैं। गलती तो इंसान से ना होता है। अरे हम तो एगो इंसान है ना, अब गलती हो गई हमसे, लेकिन इंसान को ना अपनी गलती से सीखना चाहिए, जो हम सीख रहे हैं। हे माता रानी, ये घर में सब जना, अम्मा जी, बाबू जी और अब तक रुद्र भैया भी इन नया चेहरा वाले आदमी के माधव बाबू मान ले ले हवन। लेकिन हमार दिन ये मानत काहे नहीं के, हमार दिल काहे कहता कि ये हमार माधव बाबू नहीं के, हमरा के काहे लगा था कि जरूर कोनो गड़बड़ बा, हमरा के रास्ता दिखाई माता रानी। तहरा भलाई यही में बा कि तू चुपचाप अपन बुरिया बिस्तर उठावा और रहिजा से निकला। अच्छा तो कल तक जो मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती थी, आज अचानक से बहुत बुरी लगने लग गई क्योंकि मैं अपना हक मांग रही हूँ। पत्नी के हक तबे मिलेला नहीं की दुल्हन। अरे मत बोला इनके नहीं की दुल्हन। अरे दुल्हन तका एक घर का नौकरानी बने का भी इनकर हैसियत नहीं खे। लेकिन अमरेंद्र, अब ये बात तुम किस किस को बताते रहोगे कि मैं इस घर की नौकरानी के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि गांव वालों ने तो मुझे तिवारी परिवार के होने के नाते और तुम्हारी पत्नी होने के नाते इस गांव की प्रधान चुन लिया है। गोदावरी जी, प्रधान तो बस केवल एगो पद बा, कालू केहू और के रहे, आजू केहू और के बा, और आवे वाला कल में केहू और के हो जाए। लेकिन पत्नी के कोनो पद ना होला, पत्नी पति के अर्धांगनी होली। और हम जाना तानी कि ईश्वर धारा से हक छीन ले ले बानी, लेकिन पत्नी के स्थान कबू छीन के ना लिहल जाला। इता ईश्वर के साक्षी मान के जीवन भर खातिर ग्रहण करल जाला। और गोदावरी, दूसरा के पति से आपन प्यार के आंचल भरल हमनी के समाज में बढ़िया ना मानल जाला। प्यार त्याग और समर्पण से जन्म लेला, प्यार केहू से छीन के ना लिहल जाला। छीन के नहीं लिया जा सकता, क्या मतलब है? मैंने तो ले लिया है पहले से ही। देखो ना, मेरी मांग में जो सिंदूर है ये अमरेंद्र के नाम का है, और गले में मंगलसूत्र भी अमरेंद्र के नाम का है। अच्छा, ये मंगलसूत्र हमार नाम का बा और ये सिंदूर भी हमार नाम का बा ना,
ठीक बा, ई मंगल सूत्र भी तोड़ देब और ई सिंदूर भी मिटा देब तोहार। इतनी जल्दी भी क्या है पतिदेव, मेरी मांग का सिंदूर मिटाने की और मेरा मंगलसूत्र छीनने की। जब पति ही तारा के अपन पत्नी माने खातिर तैयार नहीं थे तो तू फिर काहे इतना जिद कर रहल बाड़ू, और पति के बिना। Z5 ऐप डाउनलोड करी और देखी कुल एपिसोड एकदम फ्री।